नमस्कार, मैं शुभम चौहान, नेशनल यूथ अवार्डी। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर हम सुशासन समागम में मध्य प्रदेश की उन सभी संस्थाओं के साथ संवाद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश में सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और आपने देखा होगा कि बीते एक वर्ष में मध्य प्रदेश लगातार नवाचार कर रहा था, लेकिन सुशासन कैसे राम राज्य की जो हम परिकल्पना कहते हैं कि एक अंत्योदय, जिस नीचे तक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, हित मिले, इसमें बहुत बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान देखा हमने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो या लोक सेवा गारंटी अधिकार के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं, और वन एट वन के माध्यम से छोटे छोटे जो काम थे, छोटे छोटे व्यक्तियों की आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं सुशासन का ही प्रतीक है। और आज इस अवसर पर जो सुशासन के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें CM फेलो हो, CM BIPD हो, नेहरू युवा केंद्र संगठन के एक बहुत बड़े प्रदेश भर के युवा आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, NSS के वॉलंटियर्स हैं, गांधी फेलो हैं, CM फेलो हैं, तो एक बड़ा वैचारिक आयोजन जहाँ पर हम सब मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और एक प्रदेश की बेहतरी के लिए साझेदारी के रूप में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हुए ये पूरा बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पर चल रहा है।